भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। तो दोस्तों, पुलवामा के बाद आज पूरा देश आक्रोशित है और आज पूरा देश मोदी सरकार से आस लगाए बैठा है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करे। तो मोदी सरकार ने भी पुलवामा के बाद कई बड़े और कई कड़े कदम उठाए जो पाकिस्तान को विश्व में अलग थलग करेंगे और उसे कंगाली की ओर ढकेलेंगे। तो इसी पर हम बात करेंगे आज हमारे इस वीडियो में और जानेंगे मोदी सरकार ने वो कौन कौन से कदम उठाए और भारत के द्वारा और कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान को विश्व में एक्सपोज करेंगे और अलग थलग करेंगे। तो यही जानेंगे हम हमारे इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। इंसानियत के ऐसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में इनका दाना पानी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथियों, आपका एक प्रधान सेवक इसी काम में जुटा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो दोस्तों मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे के तहत दो देशों के बीच बिना भेदभाव के व्यापार होता है। इसका अर्थ किसी भी देश को विशेष दर्जा देना नहीं है। इसका मतलब सामान में, व्यापार में किसी दूसरे देश के मुकाबले बिना भेदभाव पाकिस्तान के साथ व्यापार होता रहेगा। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक उसके सदस्य देश अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। तो भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, पर पाकिस्तान ने आज तक एक भी बार भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। पर पुलवामा के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। इस प्रकार से अब भारत पाकिस्तान से आयात किए गए सामान पर कितना भी सीमा शुल्क लगा सकता है और इसके लिए वह आजाद है और सीमा शुल्क बढ़ाने का अधिकार भारत को पूरा पूरा है। पाकिस्तान से आयात होने वाली दो प्रमुख वस्तुएं फल और सीमेंट, अब तक फलों पर 30-50% और सीमेंट पर 7.5% कस्टम ड्यूटी लगती थी, जो अब बढ़ाकर 200% कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 17,000 करोड़ रुपए का आयात निर्यात होता है। भारत ने 2017-18 में 48.8 करोड़ डॉलर का पाकिस्तान से आयात किया है सामान, लेकिन 1.9 करोड़ डॉलर का ही निर्यात पाकिस्तान को हमने किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं इस कदम का असर भारत को बहुत कम होगा, पर आर्थिक रूप से पाकिस्तान को इससे बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी प्रकार अभी जो न्यूज आ रही है उसके अनुसार 200% टैक्स करने के बाद पाकिस्तान से आने वाले खजूर, फल व सीमेंट जो भारत में आते हैं वो बॉर्डर से ही वापस लौट रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की मंडियों में सामान भरा पड़ा है और भारत की इस कार्रवाई का असर भी दिखने लगा है। बॉर्डर से लौट रहे सामान से लदे ट्रक से पाकिस्तान को हर रोज 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार करोड़ों रुपए की सीमेंट भी लौटा दी गई है। एक एक करके पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है। हमारी सरकार के फैसलों की वजह से वहां हड़कंप मचा हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, पुलवामा के बाद मोदी पाकिस्तान को पेरिस तक ले गए। 17 फरवरी से पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी तैयारी की जिससे वह कंगाल हो सकता था। वर्ल्ड बैंक, ADB और मूडी जैसी दुनिया के प्रमुख आर्थिक संगठन पाकिस्तान के साथ बिजनेस को खतरनाक श्रेणी में डाल देते हैं। अगर ऐसा होता और भारत इसमें कामयाब होता तो FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देता। तो FATF दो तरह की लिस्ट में किसी भी देश को डालता है। पहली होती है ग्रे लिस्ट, जिसमें पाकिस्तान को डाला जा चुका है। ग्रे लिस्ट वाले देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक मदद मिलने में मुश्किल होती है। जैसा आपने देखा होगा, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट, इस लिस्ट में आने वाले देशों को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। पिछले साल FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इस बार भारत ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालकर आतंकी फंडिंग को पूरी तरह बंद कर दें और पाकिस्तान को पाई पाई के लिए मोहताज कर दें। पर इस बार भारत सफल नहीं हो पाया और पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। साथ ही पाकिस्तान पर FATF द्वारा निगरानी रखी जाएगी और पाकिस्तान को आतंकी घटनाओं में लिप्त पाया जाता है तो अक्टूबर में इसका फैसला लेकर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है।
दुनिया के ज्यादातर देश, दुनिया की हर बड़ी संस्था आज पुलवामा में करवाए गए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, एक स्वर से बोल रही है। सिंधु जल समझौता। तो दोस्तों, यदि बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ उठाए कदमों की, तो सिंधु जल समझौते वाला कदम पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे कड़ा कदम माना जाना चाहिए। सिंधु, रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब और झेलम जैसी नदियाँ भारत से होती हुई पाकिस्तान में जाती है। अगर भारत चाहे तो इन नदियों का पानी रोककर पाकिस्तान को रेगिस्तान में बदल सकता है, और इस बार ये निर्णय लिया गया। सिंधु जल समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अब भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों का रुख यमुना नदी की तरफ मोड़ा जाएगा, और इन तीन नदियों का नाम है सतलुज, व्यास और रावी। अब हम आपको बता दें कि ये तीनों नदियों का पानी भारत के हिस्से का ही है, पर आजादी से लेकर आज तक हमारी सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया व इन नदियों पर बांध का निर्माण नहीं कराया गया, और इस पानी को भारत के अन्य राज्यों में भेजने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं है हम हमारे हक का भी इस्तेमाल न करें और मेरा किसान पानी के बिना तरसता रहे। सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत रावी, व्यास और सतलुज नदी के 100% पानी का इस्तेमाल अपने लिए करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, और झेलम, सिंधु और चेनाब नदियों का अधिकतर पानी का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान। सिंधु नदी जल समझौता 1960 को हुआ था, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा यह समझौता किया गया था और नदियों का अधिकतर जल पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया था अपनी उदारवादी छवि को दुनिया में दिखाने के लिए। तो इस समझौते के अनुसार हम सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का 20% हिस्सा अपने उपयोग में ले सकते हैं, पर ना तो हम अपने 20% का हिस्से का उपयोग कर पा रहे और ना ही अपने हिस्से वाले तीन नदियों का पानी का उपयोग कर पा रहे। कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें फेंकती रहती है कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दो, पर कांग्रेस को ये समझ नहीं आता कि 55 सालों में उनकी सरकार ने पानी को स्टोर करने के लिए क्या किया या हमारे हिस्से के पानी को उपयोग लाने के लिए क्या किया गया। यदि हम हमारे हिस्से की तीन नदियों के जल का उपयोग ही पूर्णतः करते हैं, तो राजस्थान जैसे राज्यों में जल संकट बहुत हद तक दूर हो सकता है। पाकिस्तान में पानी चला जाए और दिल्ली में सरकारें आई चली गई सोती रही और मेरा किसान रोता रहा। पर ना तो कांग्रेस ने कोई डैम बनवाए और ना ही नहरों का निर्माण कराया गया। पर उरी हमले के बाद मोदी जी ने एक बयान दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, उनका इशारा सिंधु जल समझौते की ओर ही था। उसके बाद मोदी जी ने शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट की शुरुआत की, सतलुज व्यास लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की, कश्मीर में ऊंचा में डैम की शुरुआत की। तो इस प्रकार से नदियों पे कई सारे और प्रोजेक्ट की स्थापना की गई, जिससे हम हमारे पानी का उपयोग कर सके, उससे बिजली बना सके। उरी हमले के बाद तेजी से कई सारी परियोजना की शुरुआत की गई। कुछ साल बाद यानी 2022 और 24 तक हम हमारे पानी का उपयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मोदी जी ने अपने हिस्से का पानी भारत में उपयोग करने की तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम हमारा पानी उपयोग भी कर पाएंगे और दुश्मन की कमर बिना कोई युद्ध लड़े तोड़ देंगे। तो ये काम भी मोदी जी ने कर दिखाया एक बड़ा फैसला लेकर। ये तीनों प्रोजेक्ट होने के कारण ये पूरा पानी हम रोक कर हम निश्चित रूप से हमारे देश में पाकिस्तान को जो व्यारा था हमारे अधिकार का पानी, ये हम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को दे पाएंगे। सेना को एयरलिफ्ट करना। तो दोस्तों, अगर आप मोदी सरकार को वोट देने का कोई कारण ढूंढ रहे हैं, तो हम आपको एक कारण बता देते हैं, इमीडिएट एक्शन लेना। तो दोस्तों, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अक्षरधाम पर हमला हुआ था, उस दिन का दिन है। उसके बाद गुजरात में सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई कि उसके बाद गुजरात में आतंकी हमले नहीं हुए। आज आप गुजरात में अक्षरधाम मंदिर में आपका मोबाइल भी नहीं ले जा सकते। यदि आप वहां कभी गए होंगे तो आपको ये पता होगा। और उसके बाद वहां पर आतंकी हमले भी नहीं हुए, क्योंकि गुजरात में आतंक के विरोध में कोटा कानून गुजरात सरकार उस समय ही लेकर आई थी, जो एक आतंक विरोधी कानून है, और सभी राजनीतिक पार्टियों ने उसका विरोध भी किया था। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कोई कंकर तक फेंका नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिरा है। मित्रों, गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे, मित्रों गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा है। तो सीएम रहते हुए भी मोदी सरकार ने इमीडिएट एक्शन लिया था, और उसका असर ये हुआ कि गुजरात में आतंकी हमले नहीं हुए, और उस समय पूरे भारत में आतंकी हमले हो रहे थे। तो दोस्तों, अभी हम कुछ दिन पहले की बात करें, हमारे कई जवानों पर स्नाइपर हमले हुए थे,
तो मोदी सरकार ने इमीडिएट एक्शन लेकर स्नाइपर राइफल ऑर्डर की और 20 जनवरी तक सेना के पास स्नाइपर राइफल पहुंच गई। इसी प्रकार का इमीडिएट एक्शन हमें पुलवामा हमले के बाद भी देखने को मिला। पुलवामा के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि अब दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली, जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर के बीच किसी भी तरह की यात्रा के लिए जवान हवाई मार्ग से सफर करेंगे। गृह मंत्रालय ने यह आदेश CRPF और अर्धसैनिक बल के लिए लागू किया। सरकार के इस आदेश से अर्धसैनिक बलों के 7,80,000 जवानों को फायदा होगा। इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI से लेकर अन्य वे सभी कर्मी शामिल है जिन्हें अब तक हवाई यात्रा करने का अधिकार नहीं था। इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया है। आदेश के मुताबिक जवान ड्यूटी के दौरान यात्रा करने के अलावा छुट्टी पर श्रीनगर से वापस जाने या फिर आने के लिए हवाई यात्रा कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया मोदी सरकार की तरफ से हमारी सेना के लिए। तो ये दिखाता है कि जब हमारे देश पर कोई आतंकी कार्रवाई होती है तो हम कितनी जल्दी कड़े फैसले लेते हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो। अलगाववादी नेताओं से सुरक्षा वापस लेना, अलगाववाद को हवा दे रहे लोगों पर भी कार्रवाई सख्त हुई है और सख्त होती रहेगी। तो दोस्तों, पुलवामा के बाद अलगाववादी नेताओं को सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा वापस ले ली गई है। 18 अलगाववादी और 155 नेताओं को दी गई सुरक्षा बुधवार को हटा दी गई। इस फैसले के बाद 1000 से ज्यादा जवान और 100 से ज्यादा गाड़ियां अपनी रूटीन ड्यूटी के लिए फ्री होगी। मतलब जो जवान उनकी ड्यूटी के लिए तैनात है वो अब सेना के कार्यों पर पुनः लग जाएंगे और जो 100 से ज्यादा गाड़ियां उन अलगाववादी नेताओं के लिए लगाई गई वो वापस सरकारी कामों के लिए उपयोग में ली जाएगी। अलगाववादी नेताओं को राजनीतिक कार्यकर्ता माना जाता है और उनकी सुरक्षा में 1000 से ज्यादा जवान तैनात रहे हैं। अलगाववादियों पर 112 करोड़ रुपए सालाना खर्च किया जाता है। उनके हवाई टिकट, होटल और इलाज का खर्च भी सरकार देती है, जिसमें उनकी सुरक्षा पर 66 करोड़ रुपए, PSO पर 33 करोड़ रुपए, होटल पर 4 करोड़ रुपए और डीजल और पेट्रोल पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और कुल 112 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। राज्य के 25 लोगों को Z+ सुरक्षा दी गई है और इसके अलावा करीब 1200 लोगों के पास अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। तो इस प्रकार की सुरक्षा को और इनकी व्यवस्थाओं को मोदी सरकार ने पूरी तरह से हटा दिया है। बीते 4.5 वर्ष से आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चा ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई हैं, तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी के अलावा दोस्तों, खबर आ रही है कि कश्मीर में 10,000 सैनिक और तैनात किए जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में धारा 35A पर सुनवाई हो रही है और इसी प्रकार कई और कठोर कदम सेना के द्वारा भी उठाए जा सकते हैं और कश्मीर में अतिरिक्त 10,000 सैनिक तैनात करना उसी की ओर इशारा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। हम इसी तरह आते रहेंगे, कुछ जानकारी भरे और कुछ देश हित में वीडियो लाते रहेंगे। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की ये फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। आतंक की इस फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही है।